हेलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों को लेके मॉल चल जा रही हूँ, क्योंकि हमें लेना है, लैपटॉप लेना है, तो इस चक्कर में। तो अभी तो मॉर्निंग क्या नून है, आफ्टरनून है, और दोपहर के हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा लैपटॉप लेके आते हैं। ये हम लोग मॉल में आ गए। ये वेव मॉल है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास, विभूति खंड में। जो लोग लखनऊ के होंगे उनको पता होगा कि ये मॉल कहाँ पे है। और एक्चुअली क्या हुआ कि जो इन लोगों को लेना था लैपटॉप, उसका स्टोर इसी मॉल में था। तो और मुझे मॉल में जो स्टोर होते हैं वहीं से ही मुझे लेना था, तो इसलिए हमने सर्च किया तो यहीं पे, थोड़ा हमारे घर से दूर तो है, बट कोई नहीं, आ गए हम लेने। और देखते हैं कि ये बच्चे कौन सा पसंद करते हैं और कौन सा लेते आपको हैं। एचपी की वेबसाइट पर भी यही प्राइस दिखेगी भैया। मॉडल देखे हैं ना, i5 8 GB रैम, 512 GB टच, 360, 14 GB, सब 14 इंच का है वो। हाँ जी, कंपनी तो 10 आवर्स, बट इतना मिलता नहीं है आपको, 6 घंटे 7 घंटे डिपेंड्स किया आपका वर्किंग कैसा है। i5 है 11th जनरेशन, ये 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, और आपका 256 GB की SSD है, विंडोज 10 है, एमएस ऑफिस 10 है, और एनवीडिया ग्राफिक कार्ड की है। 3 साइड नैरो व्हीलर दे रखा है इसमें, आपका 4 साइड दे रखा है, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या सर, जैसे एंटी आपको इफेक्ट नहीं होगा, पहला चीज होगा। अगर आप 5 घंटे, आप स्टूडेंट हो, 5 घंटे काम कर रहे हो आप लगातार, तो जो उसकी रेज निकलती है उसमें आपको आपको इफेक्ट नहीं होगी, बेस्ट मॉडल है। प्लस Type-C भी दे रखा है, Type-C की जगह वैसे आप। तो ये हमने सोचा कि थोड़ा सा मॉल भी घूम लेते हैं, थोड़ा कपड़े और ये सब देख लेते हैं। एक्चुअली दोपहर का टाइम है ना, तो भीड़ कम है, और ये कोविड की वजह से या किस वजह से वैसे भी मॉल में भीड़ कम ही हो रही है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या अच्छा मिल जाएगा, और कुछ बच्चों को पसंद आ गया तो। वैसे बच्चों को निकलना हो नहीं पाता है, क्लासेस रहती हैं तो पूरे दिन तो उसी में बिजी रहते हैं। तो आज आए हैं तो हम कहे चलो देख लो, अगर तुम लोगों को कुछ लेना हो, कुछ पसंद आए तो। तो हमारी शॉपिंग हो गई और मैं ले आई बच्चों को, हम कहे कि चलो कुछ खा लो। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग ना दोपहर में लंच करके निकले थे, और बच्चे कुछ खाने को तैयार नहीं हुए, हो तो गए हमें यहाँ पे 2-3 घंटे हो गए, पर बट कोई खाने को तैयार नहीं हुआ। एंजल और ये सब कहने लगे कि नहीं मम्मा, जो तुम बनाती हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें यहाँ नहीं खाना है। तो हम कहे चलो ठीक है, घर पर ही बनाएंगे। तो जैसे ही हम मॉल से बाहर निकले ना, तो ये बाहर भी ये शॉप लगी हुई थी, इस तरह से मिल रहे थे, कुछ सेल पे थे, कुछ वैसे भी थे। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो प्रांजल ने कुछ बुक और कुछ नॉवेल ओवेल उसने लिया, तो यही सब हम कहे कि देख लो, जो तुम लोगों को पसंद आए तो ले लो, फिर चलते हैं। तो
ये ना शॉप पे भी हम लोग देख रहे थे, ये मॉल के अंदर ही था, मॉल के बाहर शॉप ने नहीं लगी थी, मॉल के अंदर ही लगा था। तब मॉल के मॉल से निकलते ही जैसे जो बाउंड्री सा जो एरिया होता है, बचा हुआ जो एरिया होता है, वहीं पे ये शॉप लगी हुई है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे से ये जैकेट और वूलन कपड़े ही, स्वेटर और ये इस तरह से वूलन टी शर्ट बड़े अच्छे अच्छे से मिल रहे थे 200 में। और मतलब बड़े ही सॉफ्ट से, या जिनको ना वूलन कपड़े पहनने से थोड़ी एलर्जी सी हो जाती है या इस तरह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये ना जो ये टी शर्ट हैं ये बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, तो जिन्हें वूलन कपड़े पहनने से एलर्जी है तो उनके लिए ये बड़े अच्छे से हैं। तो अगर जो लोग लखनऊ के हैं तो ये देख सकते हैं। अच्छा, बस चलो उस भर हो इतने हल्के हाथ से जैसे लोग नहा के उठते हैं, बहुत लोग तेल नहीं लगाते शरीर में, एक बार तो बस एक बार दो बार हाथ घुमाते हटाते, तो ट्रेनों पैसे सूर्य में बता तो रही है गैया वाली में एक किराएदार उसके लिए 150 लिया था। हाल ही फिलहाल में उसके इसी यहाँ पे दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब दर्द करेगा तो बिजली वाले साफ लाख से तो नहीं ज्यादा लिया पैसे आप ही चलिए सही 150 तो निकलवाया था नहीं सकता तो हम आपको बात करके सुना देंगे। सच्चाई बोलते हैं झूठ नहीं बोलते, सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही शिव शिव ही सुंदर है सत्य मेव के समान है तुम्हारी बात। अरे बुआ बना रहे थे पढ़ी पढ़ी है नहीं 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 पढ़ी है मुझे पढ़ा रहा था नहीं नहीं मैंने पढ़ा है तो अब क्या वही वही काम शुरू कर दो। उस दिन तो तुम्हारा देख के हमें लगा कि तुम पंडित नहीं हो, लेकिन हमने कुछ माना नहीं। आधार कार्ड प्रूफ है ना हमारा, वो जो तुम्हारा दूसरा प्रूफ था उसे लाते हैं तो क्या ओझा भी हम लोग आते हैं, ओझा पंडित में नहीं आते, आते हैं मित्र हो ना, आपको चिंता होती है ना कितना हम खाती है तो वो आदमी सच्चे नहीं होता, टेंशन नहीं होता इसलिए वो नाम नहीं नहीं टेंशन होता है इसीलिए दुबला पतला आ जाता है हमारे ऐसे तो खाने पीने से ना साफ नहीं समझते वो जो आंटी को आप लोगों ने देखा ना वो मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो मैं उनसे मिलने चली गई थी और वो कहीं बाहर गई हुई थी, बाहर से आई थी तो हम लोग मैंने उनसे बात की और फिर हम कहे चलो चलते हैं। और एंजल को था कि मुझे बर्गर खाना है और मम्मा के हाथ का खाना है, मतलब बच्चे सभी बोल रहे थे तो उनके चलो अच्छा बनाते हैं घर पे ही बनाते हैं, तो मैं घर आके और मैंने बर्गर बनाया और ये माँ जी ने बोला कि मुझे बर्गर नहीं खाना है तो मैंने उनके लिए आलू मटर बना दिया और हम सभी लोग बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। और आ जाइए आप सब लोग भी बर्गर खाते हैं, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।